हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने रेस्पिरेशन का चैप्टर अपना स्टार्ट कर रखा था, जिसके सारे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, श्वसन की क्रिया है। उसे श्वसन की क्रिया का महत्व क्या होता है और जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, श्वसन की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा थे वो सारे के सारे टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके बाद में हेक्सोज पेंटोज जो अपना पथ था जिसे, और उसके बाद में श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन जो अपनी प्रोसेस है, श्वसन की प्रोसेस का क्या महत्व है। अगर अपन देखें तो, अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें श्वसन की प्रोसेस का क्या महत्व, उसमें अगर फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो श्वसन की प्रोसेस होती है उसमें जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो प्लांट के विभिन्न उपापचय क्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, उन उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए यूज में आती है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अगर सेकंड पॉइंट की अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट में अपन, जैसे कि स्टार्टिंग से अपन ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की स्टडी की है, पूरी की पूरी श्वसन जो है उसकी गतिविधियां, उसकी कार्यविधि अपन ने देखी, कितनी सारी रिएक्शंस उसमें भाग ले रही थी, कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उसमें बन रहे थे। तो ये प्रोडक्ट्स जो मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं श्वसन की प्रक्रिया में, ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, कोशिका उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो अपनी श्वसन की जो प्रोसेस होती है, अपनी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो CO2 होती है, अपनी CO2 बाहर निकलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, O2 अपन ग्रहण करते हैं, तो जो मतलब CO2 जो है अपन बाहर मुक्त कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो अपना एनवायरनमेंट है, जो अपना वायुमंडल है, अपना एटमॉस्फेयर है, वहां पे क्या होता है, गैसों का जो संतुलन है वो बना रहता है। श्वसन की प्रोसेस का ये भी एक महत्व होता है। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, श्वसन की प्रोसेस होती है, अगर फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें, तो जो अपनी जो श्वसन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जटिल घुलनशील जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर भी अपन स्टडी कर चुके हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अगर फिफ्थ पॉइंट की अपन बात करें तो अपनी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हो गए इसके नॉर्मल से पॉइंट की श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसका क्या महत्व है। अपन जानते ही अपने को एनर्जी मिलती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेल्स के लिए भी, सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भी आवश्यक होते हैं। CO2 बाहर निकलती है तो एनवायरमेंट में अपन O2 ग्रहण लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो एनवायरमेंट में गैसों का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो सारी की सारी चीजें रेस्पिरेशन पर ही डिपेंड करती हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, श्वसन की जो प्रोसेस है, उस श्वसन की प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अपन इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि अपन पहले भी फोटोसिंथेसिस में भी स्टडी कर चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो थी उसको प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के थे, आंतरिक और बाह्य कारक। इसमें भी वही आएंगे, आंतरिक और बाह्य कारक। अपन टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपन वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो ऑक्सीजन है अपनी, CO2 है, इन सारी के सारी जो मतलब रेस्पिरेशन को जो इफेक्ट कर सकते हैं जो पॉइंट्स, उनके ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो अपनी जो रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी दो प्रकार के ही कारक प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपने बाह्य कारक, जो वायुमंडलीय कारक होते हैं, वातावरणीय जो कारक होते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो अपने बाह्य कारक हैं उनके बारे में। ठीक है, और बाह्य कारकों में जैसे अपन जानते हैं बाह्य कारकों में कौन से कारक आते हैं, अपना जैसे टेम्परेचर हो गया, अपनी CO2 हो गई, O2 हो गई, वाटर हो गया, ये सारे के सारे, जैसे अपने प्रकाश हो गए, ये सारे के सारे क्या है, अपने बाह्य कारक है। तापमान, CO2, O2, वाटर एंड अपना प्रकाश। तो अपन इनको क्या बोल सकते हैं, या तो एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब वातावरणीय कारक। तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर किस प्रकार से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, अपनी श्वसन की जो प्रोसेस होती है, उसको किस प्रकार से टेम्परेचर प्रभावित करेगा। अपनी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो महत्वपूर्ण अपना इफेक्ट डालता है। कैसे,
जब श्वसन की प्रोसेस जो होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करती है, श्वसन की दर में बढ़ोतरी होती है। इससे ज्यादा अपन टेम्परेचर देते हैं या फिर इससे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर अगर मिलता है तो क्या हो जाता है, जो श्वसन की प्रोसेस में भाग लेने वाले जो अपने एंजाइम्स होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, डीनेचुरेशन हो जाता है उनका। तो क्या होता है कि श्वसन की जो दर होती है वो घटने लग जाती है, और श्वसन की दर में जो बढ़ोतरी होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वांट होफ का नियम यहाँ पे लागू होता है। वांट होफ के नियम के अकॉर्डिंग अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी की जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी की जाएगी तो क्या होगा, श्वसन की दर जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी। श्वसन की दर क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। ओके, अब ये फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि अपन 35 डिग्री सेल्सियस के बाद में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो श्वसन की दर अपनी दोगुनी हो जाएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अपनी श्वसन की दर घट जाएगी। वहां पर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो श्वसन की दर जो होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही क्या करती है, वृद्धि करती है। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर अवेलेबल होता है तो क्या होता है कि अपनी जो रेस्पिरेशन की जो दर होती है, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, अपनी श्वसन की जो दर होती है वो घट जाती है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं अपने वो ज्यादा टेम्परेचर पर विकिरित होना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए श्वसन की जो दर होती है वो घट जाती है। ये तो होगी टेम्परेचर पर बात। अब अगर अपन बात करें CO2 किस प्रकार से प्रभावित करती है, CO2 की मात्रा में अगर अपन वृद्धि करते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है, जो अपने रेस्पिरेशन की जो दर होती है, श्वसन की जो दर होती है उसमें भी कमी आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन CO2 की मात्रा बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि जो अपने रंध्र होते हैं, प्लांट्स के जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, अपने को पता है स्टोमेटा जो होते हैं उनमें क्या हो जाता है, वो बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो रंध्र बंद हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब गैसों का विनिमय नहीं होगा। जैसा कि अपन जानते हैं गैसों का जो विनिमय होता है, CO2 और O2 का विनिमय किसके द्वारा होता है, प्लांट्स में रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो अगर अपन CO2 की मात्रा की वृद्धि करते हैं तो श्वसन की दर में कमी आएगी। ठीक है, CO2 में वृद्धि से तो अपनी CO2 जो है CO2 में वृद्धि करेंगे तब क्या होगा, CO2 में वृद्धि से क्या होगा, श्वसन की दर में कमी आएगी। ओके, क्योंकि जो अपने स्टोमेटा जो होते हैं, अपने रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे क्या नहीं हो पाता, गैसों का विनिमय नहीं हो पाता। अब अगर अपन अपने नेक्स्ट फैक्टर O2 के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अपन पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जब वायवीय और अवायवीय श्वसन के ऊपर, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है, ऑक्सीजन अपने को किसके लिए चाहिए, वायवीय श्वसन के लिए चाहिए, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और वायवीय श्वसन में किस लिए, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि वायवीय जो श्वसन होता है ना, उस वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। अगर आपको याद हो तो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने बताया भी था, जो ऑक्सीजन जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। तो जैसे लास्ट में अपन ने देखा था, अपने पास हाफ O2 था प्लस अपने पास प्रोटोन आए थे, जो हाइड्रोजन आए थे, अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 एंड FADH2 जो थी अपनी क्रेब्स चक्र में, अपने पास ये मिले थे अपने को, उससे अपने ATP का फॉर्मेशन कर रहे थे। अपने को पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अपन क्या करते हैं, ATP प्राप्त करते हैं। तो हाफ ऑक्सीजन जो थी वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही थी, और ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही किस से आए थे, NADH2 एंड FADH2 से आए थे, और ऑक्सीजन इसको ग्रहण करने का काम कर रही थी, है ना। उसके बाद में अपने पास क्या मॉलिक्यूल आया था, H2। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर फैक्टर्स की अपन बात करें, कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो श्वसन के लिए, वायवीय श्वसन के लिए अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां पर अवायवीय श्वसन कंप्लीट होता है, ये बात अपने को पता है। ऑक्सीजन जब नहीं होती तो वहां पे अवायवीय श्वसन होता है, और हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जब अवायवीय श्वसन हो रहा होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपनी शर्करा जो होती है, अपनी जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, और वहां पे अपना श्वसन गुणांक क्या आता है, अपन इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इस टॉपिक से पहले अपना जो टॉपिक था वो श्वसन गुणांक ही था। जब O2 नहीं होती, अवायवीय श्वसन हो रहा होता है, उस टाइम अपना श्वसन गुणांक आता है 0। ओके, तो ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। अब अगर अपन बात करें वाटर किस प्रकार से श्वसन कारक, श्वसन की जो दर है उसको प्रभावित करेगा, प्लांट्स जो होते हैं, अपने पादप जो होते हैं, उन पादपों में उपापचय क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, उन उपापचय क्रियाओं के लिए जो वाटर जो होता है, अपना जल जो होता है, वो क्या करता है, वो एक माध्यम का कार्य करता है। और अपने पादपों का जो जीवद्रव्य होता है, उस पादपों के जीवद्रव्य में
समथिंग 90 से 95% तक क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। ये जल प्लांट्स में जो एंजाइमों का सक्रियण होता है, परिवहन तंत्र होता है और जो गैसों का विनिमय होता है ना, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जब इस जिसके कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट श्वसन की जो दर होती है, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, उसके ऊपर भी पड़ता है। अगर प्रॉपर मात्रा में अपन प्लांट को वाटर नहीं दे रहे हैं तो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है उसमें कमी आएगी, श्वसन की जो दर है वो घट जाएगी। अपन वाटर की मात्रा कम करते हैं तब क्या होता है, श्वसन की दर में कमी आ जाती है। श्वसन की दर में कमी आती है, इसी वजह से अपन शुष्क बीजों को और फलों को उनको संरक्षित कर सकते हैं, उनको भंडारित कर पाते हैं। क्यों? जब श्वसन की दर में कमी आती है तो वो अंकुरित नहीं हो पाते। और अपना यही फॉर्मूला टेम्परेचर पर भी लागू होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि टेम्परेचर में अपन एक पॉइंट मिस कर गए थे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या होता है कि अपना जो रेस्पिरेशन की जो दर है उसमें बढ़ोतरी आती है। उसके बाद में क्या होता है, अपने एंजाइम्स जो होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करने लग जाते हैं, निष्क्रिय होने लग जाते हैं, जब अपन 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। यही फॉर्मूला तब भी लागू होगा जब अपन अति निम्न तापक्रम दे रहे हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो रहा है, मतलब माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तब भी क्या होगा, तब भी श्वसन की जो दर है उसमें कमी आएगी। तभी जो अपने शीत ग्रह जो होते हैं, उन शीत ग्रहों में अपन फल व सब्जियां रखते हैं ना, वो जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, श्वसन की दर जो होती है उसमें कमी आ जाती है, श्वसन की दर घट जाती है, जिसके कारण वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, श्वसन की प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होते हैं अपनी फल सब्जियां जो होती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं जो ये फैक्टर्स हैं उसमें अगर क्वेश्चन आने का चांसेस है तो यहीं से आ सकता है कि जो शीत ग्रह होते हैं उनमें फल व सब्जियां जल्दी खराब क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन की जो रेट है, श्वसन की जो दर है, वहां उस श्वसन की दर में कमी आ जाती है। श्वसन की दर में कमी आ जाने के कारण फल और सब्जियां जो है वो जल्दी खराब नहीं होती। अब अगर अपन लास्ट पॉइंट की बात करें, प्रकाश, प्रकाश किस प्रकार से इफेक्ट करता है, वैसे प्रकाश जो होता है वो रेस्पिरेशन की जो दर होती है, श्वसन की जो दर होती है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं डालता है उसके ऊपर। प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो कम्प्लीट हो पाता है। बट क्या करता है कि प्रकाश जो होता है वो परोक्ष रूप से क्या करता है, जो श्वसन की जो दर होती है उसको प्रभावित करता है। जैसे प्रकाश में वृद्धि होती है तो वैसे वैसे ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, अपनी रेस्पिरेशन की दर में वृद्धि होती है। एक निश्चित समय सीमा तक, वो निश्चित एक निश्चित टेम्परेचर तक प्रकाश बढ़ेगा तो टेम्परेचर में वृद्धि आएगी, जिससे क्या होगा, अपनी रेस्पिरेशन की जो दर है, अपने श्वसन की जो दर है उसमें भी वृद्धि आएगी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के टाइम रंध्र खुले रहते हैं, रंध्र अगर खुले रहेंगे तो अपन जानते हैं गैसों का विनिमय होगा, और गैसों का विनिमय होगा तब क्या होगा, रेस्पिरेशन की जो रेट है उसमें वृद्धि आएगी। अब ये तो हो गए अपने बाह्य कारक, इनके ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया। अपने पास एक छोटा सा और बचा है, आंतरिक कारक कौन से होते हैं, इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, उनके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। सेकेंड है अपने पास अपना आंतरिक कारक, आप अगर अपना आंतरिक कारकों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पर अपन डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट है अपना जीव द्रव्य। ओके, अगर अपन जीव द्रव्य की बात करें जो तो प्लांट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी अपन कर चुके हैं, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, प्लांट की जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, तरुण सेल कौन सी होते हैं, प्रोड सेल्स कौन सी होती हैं, ये अपने को पता है, अपने 11th क्लास में आए थे ये सारे के सारे जो है प्लांट्स की स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो विभज्योत की जो सेल्स होती है, विभज्योत की जो कोशिकाएं होती हैं, उन विभज्योत की कोशिकाओं में क्या होता है, जो अपना जीवद्रव्य जो होता है वो जीवद्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विभज्योत की सेल्स में जीवद्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे श्वसन की जो दर होगी वो अधिक होगी, बजाय किनके, जो परिपक्व सेल्स हैं उनके, परिपक्व सेल्स की बजाय जो अपने जीव द्रव्य जो विभज्योत की सेल्स हैं वहां पे क्या होगा, श्वसन की दर अधिक होगी, क्योंकि विभज्योत की जो सेल्स होती है उन विभज्योत की सेल्स में क्या होता है, जीव द्रव्य की अधिकता होती है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, श्वसन की जो दर होती है वो अधिक होती है। ओके, यहाँ पे श्वसन की दर अधिक होगी, यहाँ पे श्वसन की दर कम होगी। अब अगर अपन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट आता है अपना श्वसनीय क्रियाधार। अगर इस
इस पॉइंट की अपन बात करें तो अपनी कोशिका जो होती है उस कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार की शर्कराएं जैसी होती है, जैसे कि अपनी माल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, ये सभी शर्कराएं जो है ये श्वसन की प्रक्रिया में त्वरित जल्दी भाग लेती है बजाय किनके, स्टार्च और वसा के। स्टार्च और वसा पहले किस में कन्वर्ट होती है, पहले वो शर्कराओं में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद में क्या होगा वो जो वहां पे श्वसन की क्रिया जो होगा वो स्टार्ट होगी। इसलिए तो जो अपनी स्टार्च और जो वसाएं होती है उनका पहले शर्कराओं में परिवर्तित होना आवश्यक होता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो विलंब से शुरू होती है, और जो अपनी शर्कराएं होती है वहां पर श्वसन की प्रोसेस जल्दी आरंभ हो जाती है। इस चीज को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है और एक बीमार व्यक्ति होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके भोजन में क्या होता है कि वसा और स्टार्च अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अपन चावल लेते हैं या फिर रोटी जो होती है अपनी, चपाती जो होती है और आलू वगैरह जो होते हैं उनमें स्टार्च या फिर वसाएं वगैरह, तेल वगैरह लेते हैं, घी लेते हैं, तो वहां क्या होता है वो पहले स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा होता है, स्टार्च जो होती है वो शर्कराओं में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है जो अगर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो विलंब से स्टार्ट हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपने देखा होगा कि जो बीमार लोग होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, जल्दी एनर्जी देने के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल वगैरह में क्या किया जाता है, उनको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दी जाती है, ताकि वो क्या होता है आप अगर स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो प्रॉपर पहले वो स्टार्च वगैरह है अपनी, वसा वगैरह है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, शर्करा में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट जो बीमार व्यक्ति होता है उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है उसको डायरेक्ट शर्करा ही दे दी जाती है, ग्लूकोज दिया जाता है उसको। अब अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो कोशिका की आयु, कोशिका की आयु के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या होता है जो तरुण जो कोशिकाएं होती है, जो नई सेल्स होती हैं, नई या जो तरुण सेल्स होती है ना उनमें क्या होता है कि जो श्वसन की जो दर होती है वो अधिक होती है, और जो परिपक्व इम्प्रोड सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है उनमें श्वसन की जो दर होती है उसमें कमी आती है। ओके, अगर अब बचता है अपना लास्ट पॉइंट है अपना चोट या घाव। अब किसी जगह पे चोट या फिर घाव लग जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, चोट या घाव लगने से वहां पे श्वसन की दर जो होती है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। तो ये हो गए अपने जो रेस्पिरेशन जो है, अपनी श्वसन जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, सारे के सारे कारकों की अपन स्टडी कर ली। तो यहाँ पे अपना रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाता है। अब रेस्पिरेशन के बाद में अपने प्लांट फिजियोलॉजी के दो चैप्टर बचते हैं, एक तो अपना बचता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, एक अपना बचता है प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। इन दोनों के बारे में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपनी ये यूनिट जो है ये कम्प्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो होगा नाइट्रोजन चक्र, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है।